फ्रेंड्स, मैं गरिमा सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द परफेक्ट पैलेट बाय गरिमा में। अब जब हमें कुछ अच्छा खाना हो तो हमें रेस्टोरेंट क्यों जाना? आज मैं आपको बताने वाली हूं बहुत आसान तरीके से पनीर की सब्ज़ी बनाना, और इसमें ना तो ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और ना ही ज़्यादा मेहनत। तो चलिए आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिए और आप अपने घर में मेरी स्टाइल से ज़रूर पनीर बना के देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। सबसे पहले मैंने 300 ग्राम पनीर को लंबा लंबा कट करके रख लिया है। मैंने एक कटोरी के लगभग काजू और मगज को भिगा के तैयार कर लिया है और अब मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी। और मैंने दो प्याज ले ली हैं, उनको रफली चॉप कर लिया है, और मैंने एक हरी मिर्च ले ली है और एक इंच के करीब अदरक का टुकड़ा ले लिया है। काजू का पेस्ट अलग से बनाऊंगी और प्याज, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट अलग से तैयार करूंगी। गरम मसालों में मैंने तेज़पत्ता ले लिया है, मैंने ज़ीरा ले लिया है, दालचीनी ले ली है, काली मिर्च ले ली है, लौंग और हरी इलायची ले ली है और कसूरी मेथी ले ली है। एक चम्मच मैंने धनिया पाउडर ले लिया है, एक चौथाई चम्मच मैंने काली मिर्च पाउडर ले लिया है, आधा चम्मच के करीब मैंने ज़ीरा पाउडर ले लिया है और आधा चम्मच मैंने चीनी ले ली है। काजू और मगज का पेस्ट रेडी है और अब हम इसी तरीके से प्याज, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट भी बना लेते हैं। मैंने लहसुन अवॉइड की हुई है, आप चाहेंगे तो लहसुन आप डाल सकते हैं। अब हम बाकी खड़े मसाले डाल देंगे। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। अब हम इसमें काजू का पेस्ट डाल देंगे। अच्छे से इसे हम चलाएंगे। अब हम इसमें आधा कटोरी के करीब दही डाल देंगे और दही हम फिटा हुआ लेंगे और दही डालने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। अब इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे। अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। और अब इसमें हम आधा चम्मच शक्कर डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा केसर का पानी डाल देंगे। हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर काली मिर्च एकदम रेडी है। आप भी इसे घर में बनाइए और आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, इससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और जल्दी ही हम लोग मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।